हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेन वर्ग के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग दोनों की गणना पूर्ण यथार्थता के साथ एक साथ नहीं की जा सकती यदि अपने स्थिति का निर्धारण पूर्ण यथार्थता के साथ करते हैं तो संवेग में अनिश्चितता रह जाती है और यदि स्वेग का निर्धारण पूर्ण यथार्थता के साथ करते हैं तो स्थिति निर्धारण में त्रुटि आ जाती है दोनों त्रुटियों का गुणनफल एच अपोन फोर पाई के बराबर या अधिक होता है ये ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था जैसे मान लो कि स्थिति निर्धारण में त्रुटि को मैं डेल्टा एक्स से लिखूं, तो डेल्टा एक्स क्या है पोजिशन डिटरमिनेशन में त्रुटि कितनी होती है वो है स्थिति निर्धारण में त्रुटि है ये और डेल्टा पी एक्स को मैं स्वेग निर्धारण में त्रुटि को लिख दूं कि डेल्टा पीएक्स क्या है ये एक्स दिशा में स्वेग निर्धारण में त्रुटि है एक्स दिशा में स्वेग निर्धारण में त्रुटि है और दोनों त्रुटियों का गुणा यानी कि स्थिति निर्धारण में त्रुटि और सुवेग निर्धारण में त्रुटि यानी कि डेल्टा एक्स तो क्या है स्थिति निर्धारण में त्रुटि है और डेल्टा पी एक्स क्या है स्वेग निर्धारण में त्रुटि है दोनों त्रुटियों का गुणा या तो बराबर होता है या फिर अधिक होता है किससे एच अपोन फोर पाई से यही हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है कि स्थिति और स्वेग दोनों की गणना पूर्ण के साथ एक साथ एक समय में नहीं की जा सकती यदि स्थिति का धारण करेंगे तो स्वेग में त्रुटि रह जाएगी और स्वेग का धारण करेंगे तो स्थिति में त्रुटि रह जाएगी दोनों त्रुटियों का गुणा है वो एच पोर के इक्वल होता है या फिर अधिक होता है अपनी ये जानते हैं P बराबर क्या होता है एम वी होता है यानी कि जो स्वेग है वो द्रव्यमान और वेग का गुणा होता है यदि स्वेग में त्रुटि को अपने डेल्टा पी एक्स से लिखें, पी एक्स क्योंकि पी एक सदिश राशि है तो पैर में अपने X लिख दिया यानी कि X दिशा में ये स्वेग है X दिशा में संवेग निर्धारण में त्रुटि है तो पी को एम लिखेंगे और डेल्टा पी क्या होगी एक्स दिशा में संवेग निर्धारण में त्रुटि है द्रव्यमान निर्धारण में एक सामान्य त्रुटि बहुत ही कम होती है या नगण्य होती है तो यहाँ पर त्रुटि होने की संभावना नहीं है फिर त्रुटि किस में पाएगी डेल्टा वी वेग निर्धारण में त्रुटि होगी विलोसिटी डिटरमाइन त्रुटि हो सकती है तो डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपने एम डेल्टा वी एक्स लिख सकते हैं यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं एम डेल्टा वी एक्स लिख सकते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपन भोर पाई होता है अब देखो एम को अपने लिए आए इधर एम को अपने लिए आए इधर तो क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा तो ये भी हाइजन वर्क की अनिश्चितता के सिद्धांत को आप इस प्रकार से बता सकते हो कि स्थिति में त्रुटि वेग निर्धारण में त्रुटि का गुणा एक्स दिशा में वेग निर्धारण में त्रुटि का गुणा बराबर या अधिक होता है एच पॉइंट फोर पाई एम से अब ये भी आप जानते हो एक होता है एच क्रोस एच क्रोस कहो या एच कट कहो ये क्या होता है एच क्रोस या एच कट ये कहा जाता है, है पोन एच अपोन टू पाई को यानी कि एच अपोन टू पाई को क्या कहते हैं एच कट कहते हैं एच कट कह दो या एच क्रोस कह दो इस फॉर्म में लिखे अपने तो देखो अपनों ने ये सूत्र निकाला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन पाई या फिर अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स है ग्रेटर देन एंड इक्वल एच अपॉन फोर पाई एम बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते एच कट का अर्थ होता है एच एचपॉन टू पाई एच क्रॉस कह देते हैं कई तो अपने देखो एच कट होता है वो एच अपॉन टू पाई होता है तो फोर पाई को आप ऐसे लिख सकते हो टू इंटू टू फोर है फोर को आप ऐसे लिख सकते हो ना दो इंटू दो सकते हैं तो एच अपन टू पाई को एच कट कर, सकते तो टू पाई को कर देंगे तो ये सूत्र क्या हो जाएगा एच अपॉन टू पाई को एच कट करते तो ये क्या हो जाएगा एच कट बाई टू तो ये हो जाएगा एच कट बाई टू यानी कि एच अपॉइन फोर पाई को ऐसे लिख सकते हैं ना टू इंटू टू पाई टू एच अपन टू पाई को कट कह सकते हैं तो अच्छ कट बाई टू और इस इसे क्या कह देंगे एच कट बाई एच अपन टू पाई को कट कह सकते हैं तो क्या जाएगा एच कट बाई टू एम तो इसको एच कट के रूप में भी कई बार इक्की दुकी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो विद्यार्थी गण ये भी ध्यान रखें